जिहड़ा गुछ दा रेट है हर दुकानदार ने पिछे लाया हुंदा, कोई चुंज तोल दिंदा 10 20 रुपए घट कर लैंदा है, कोई नाल आंदरा तोल दिंदा 10 20 रुपए घट कर लैंदा है। 2 रुपए दी रेट लिस्ट है ते 25 रुपए लैंदे हैगे ने। जे अगर तुसी थोड़ी जी वड्डी मुर्गी खाओगे ना समझोन दा फायदा, जे तुसी छोटी मुर्गी खा के मंगदा ना किलो सवा किलो दी ओ समझो के बच्चे भी बीमार। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिदराना हाजिर है। नाजरीन आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं, ये मार्केट वेलेंशिया टाउन से मुत्तसिल एरिया में मौजूद है। इसके अंदर हम अब इस वक्त एक तरह से हम लोगों से पूछने आए हैं, खासतौर पे मुर्गी फरोश लोगों से जो चिकन का काम करते हैं, कि मुर्गी के गोश्त के अंदर एक तो नाप तोल की कमी क्या है, दूसरा क्या कंडे के नीचे कोई वजन लगता है, या मुर्गी को किस तरह खरीदना चाहिए कि आपको पूरी मुर्गी मिले, साफी मुर्गी मिले, वजन के क्या हिसाब किताब है और रेट लिस्ट की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पे एक मुर्गी फरोश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर यह जो रेट लगा ना अगे यह जिंदा का रेट लगा है। ठीक है ये गाहक नूं समझो कि एक वरगलावण वाली कोशिश होंदी है कि यह रेट वेख के आ जाए। जिहड़ा गुछ का रेट है हर दुकानदार ने पिछे लाया हुंदा है, जिहड़ा 520 रुपए सिस्टम चल रहा है, वो गाहक यह रेट देख के आंदा है फिर उन्होंने पिछला रेट दिखा देंगे कि यार यह रेट लगा है। कोई चुंज तोल दिंदा 10 20 रुपए घट कर लैंदा है, कोई नाल आंदरा तोल दिंदा 10 20 रुपए घट कर लैंदा है। इंज दी रूटीन बेसिकल जो रेट लिस्ट आंदा ना वो रेट जेन्युइन हुंदा। सर लिस्ट की डीसी साहब कटदे ने, कौन कटदा, किहड़ा इदारा इहदा? सर डीसीओ डूसीओ को नहीं है, मंडी दे विच निकलदी है, अंजमन ताजरां कटदे ने, ये भी समझो पत्थाखोरी लेंदे ने, इन्हां दे ठेके होंदे ने लिस्टां दे, 25 रुपए का कागज दे के जांदे, 2 रुपए दी फोटो कापी कराउंदे ने। कहने का मकसद है लिस्टों के उपर भी भत्ताखोरी चल रही है, लिस्टों के उपर भी पैसा बनाया जा रहा है। ऐसा है, ठेके होंदे इन्हां दे बहुत, लखां रुपए दे ठेके होंदे ने इन्हां दे, फिर वो इलाका वाइज उन्हां नूं दिंदे ने लिस्ट भी आ फलाने इलाके तू जाना, फलाने च तू जाना है। 2 रुपए दी रेट लैंदे ने। क्या कह रहे? 2 रुपए दी रेट लिस्ट है ते 25 रुपए लैंदे हैगे ने, 25 रुपए कादे लैंदे हैगे ने, मतलब ऊपर 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 के 18 रुपए अपने अपने। हाँ जी ये पता गोरी चल रही है। अच्छा अच्छा सर एक और चीज़ बताएं, मुर्गी के काम के अंदर मुनाफा कितना हुआ? कम से कम इसमें बच जाते हैं कोई 30-40 रुपए बच जाते हैं पर मुर्गी, पर केजी के ऊपर, पर केजी। हाँ मतलब एक मुर्गी ही हम एक हिसाब लगा, अगर 1 किलो की मुर्गी तो 40 रुपए बचते हैं, 40-50 रुपए बच जाते हैं, आराम से बच जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताएं, ये लोग दो नंबरी किस तरह करते हैं इस काम के अंदर मुर्गी फरोश? वो बॉस यही होता है, ये जो छाबा है ये उठा के कोई नीचे रख लेता है, कोई ऊपर रख लेता है, इसका ही होता है, और इसमें ये मशीन में नहीं ऐसा कोई काम भी होता। एक और सच से पर्दाफाश करें कि ये जो सारा गंद होता है, कहते हैं ये फीड में डलता है, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल ये फीड में डलता है सारा काम, मतलब इंसानों को गलाजत ही ट्रांसफॉर्म करके खिलाई जा रही है। वो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, जहाँ मंडी में चले जाएंगे ना ये कचरा ही, ये ग्रैंड होता है, इसकी फीड बनती है, इसमें आगे वो मकई डाल लें, गंदम डाल लें, और मेडिसिन डाल लें, ये इसी का निजाम ऐसे ही चलता है सर। लेकिन एक और चीज़ भी तो है कि वक्त के साथ साथ कहते हैं जी ये प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करता है आम आवाम की, ठीक है, तो प्रोटीन अगर इस गलाजत से बनेगा तो वो तो इंसानों को बिल्कुल ये ब्रायलर ही बना देगा। तो वो तो ब्रायलर लोग बने ही पड़े हुए हैं, आप खुद देखे ना। अच्छा एक और चीज़ बताएं कि जो आप लोगों से भत्ता लेते हैं, क्या आपके पास ये जो मुर्गी वाले आते हैं ये भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? नहीं छोड़ने आते? नहीं नहीं वो नहीं चार्ज, उनका एक लिमिट होती है लिस्ट के ऊपर ही, कि उनका ऊपर प्रॉफिट होता है उसके, क्योंकि वो गाड़ियाँ जाती है डीजल वगैरह को, मुलाजमों के खर्चे वो फार्म से उठा के लाते हैं, वो रेट फार्म रेट पे तो नहीं ना देंगे, उनके बाहर घर में बच्चे हैं, उनके मुलाजमों के खर्चे, उनके दफ्तर के खर्चे। वो गुजरे वक्तों में मुर्गी की कीमतों में होशरबाज इजाफा देखने में नज़र आया, ठीक है, इसकी क्या वजूहत? इस दफ़ा मैं आपको क्या बताऊँ, वो मियाँ साहब को आप दुआएँ दें, ये इस दफ़ा जो रेट वो कर गए हैं। ये बात सही है कि रेट हमजा शहबाज शरीफ निकालता? नहीं वो बेसिकल कोई दौर था उनका, अब वो स्पीड में ही है, वो समझे कि उन्होंने ये फार्म इसलिए शुरू किए थे कि वो ब्लैक को वाइट करने के लिए उन्होंने किए थे, कि वो ब्लैक वाला पैसा जो वाइट हो जाए, हम जी फार्मों से पैसे लाते हैं, ये है क्योंकि पहले तो आम बंदा भी कंट्रोल शेड डाल लेता था, अब कितनी को कॉस्ट आती है एक मुर्गी खाना बनाने में? कम अज़ कम 5-6 करोड़ रुपया। इतना वसी हो गया ये? इतना नहीं, वो सरमायादार लोग हैं ना, ब्लैक मनी वाले हैं ना सारे, जेड़े मेरे भरा मुर्गी खाते हैं बड़े शौक नाल, उन्हां नूं मैं यही कहांगा कि यार जिहड़ी सस्ती मुर्गी है ना उहदे च मुर्गी वाले बोलते ने इक उहनूं सीपी चूज़ा एक ना तुहानूं पता ना मामूं किस्म है, कोई एक किस्म नहीं मुर्गी ऐ हुंदी। हुण मैं तुहानूं दसदा एक तुसीं कंट्रोल शैड चले गए जे उहदे च एक होस्पिटल हुंदा लहदा, ठीक है जदों डाक्टर उहदा विजिट करदा ना उह जिहड़ा बीमार चूज़ा हुंदा है वह चुक के होस्पिटल छोड़ देंगे ने, ठीक है, कम अज़ कम 40,000 चूजे चो 5-7,000 चूजा इजी निकल आता, ठीक है,
उन्हों नाल फीड उनके मुखसर पैंती रहती है वो वजन च घट रह जाता जी सेहतमंद मुर्गी है अपनी सेहत नाल वजन करती हो जाती 2-2.5 किलो की और रह जाती 1.5 किलो की उन्होंने मुर्गियों वाले बोलते हैं सीपी चूजा जिसकी किसी समझ ही नहीं आई लिहाजा वो सीपी चूजा लिया के मंडियों उनका रेट बहुत सस्ता बेचते हैं मिसाल के तौर पर यह मुर्गी तुम्हें 400 रुपये मिल रही है ना तो मंडी 150 रुपये किलो मिलेगा। सर जी एक तनसीक करो मेरी एक मैं बड़ी टर्म सुनी है यह मुसाफर मुर्गी की चीज़ है ये जी मुसाफर मुर्गी आई है और ठंडी मुर्गी भी कहते हैं यह चक्कर है जी बर्गर शवारमा च वसीयत करके दफन होंगी ये तुम मंडी चले जाओगे ना मंडी चुनाव ठंडी भी मिलेगी मुसाफर भी मिलेगी और मरी मुर्गी होंगी साफ हज़ार देखो गड्डिया तो लैनी हज़ारा मुर्गिया मरदिया ने देखो ना कि शवारमा तुम खा रहे जे तो 60 रुपये कि शवारमा देगा अगर अच्छा शवारमा बनाया जाए ना सेहतमंद मुर्गी का वो मुर्गिया की वसीयत होंगी सू शवारमे से दफन करो हाँ जी वो तो देखो ना उन्होंने तो फिर सस्ता शवारमा बेचना 60 रुपये देना उनकी कास्ट देखो 120 रुपये कास्ट आती शवारमे की अगर तुम्हें उत्ते 10 भी चाहिए 30 रुपये का अंडा है घी है गैस है उत्ते चिकन है। एक होर गल दसो यह जो मुर्गी सानू देंदे हो साफ करके वजन तोलते हो यह जो सिर हों मुर्गी का सिरी ये भी लाजमी होंगी वजन की तुलनी हूँ मैं वेखे अपने बचपन से नहीं मैं वेखिया नहीं ये चौंजनी नाल होंगी नहीं होंगी क्यों सर जी नहीं नहीं ये चौंजनी होती बिल्कुल नहीं होती तोलते हाँ नहीं होनी चाहिए यह लानी चाहिए अगू गर्दन चुंज ला दो नहीं होनी आखिर जी यह दसो ये फायदे की ने ते नुकसान की ने क्योंकि वेखी तो बैठी तो इदा ही लग रही जिदा पाकिस्तानी आवाम है इनके फायदे ही फायदे ने बोस जे अगर तुम थोड़ी जी वड्डी मुर्गी खाओगे ना समझो उनका फायदा जे तुम छोटी मुर्गी गाह गा के मंगता ना 1-1.25 किलो की वो समझो कि बच्चे भी बीमार तो तुम भी बीमार कि वड्डी मुर्गी लवो क्योंकि इनू जो फार्म चूजा पालते हैं ना इनका कम अज कम 22 दिन के बाद इनू एक टीका लाते हैं जिन्होंने कहते हार्ट का टीका बेसिकल वो हार्ट का टीका नहीं होंगे वो टीका असं लाने जो मझा चोवना पसमावन वाला होंगे ना तपश वाला टीका वो टीका लाते हैं कि मुर्गी च इन्नी क तपश पैदा होंगी है कि फिर फीड अपने आप तो बाहर ओवर होकर खाती है फिर वजन करती जिस टाइम मुर्गी 2-2.5 किलो की होंगी ना उनके असरात ता जा खत्म होंगे जोड़ा गाहक आ कहते ना यार छोटी चूदी 1.25 किलो की मुर्गी दो उन्हें असरात उन्हें शामिल होंगे उन जी देखो ना बच्चिया अजकल किमें जवान हो रही हैं क्योंकि टीका वो तुम्हें पता जि जिस चीज़ का हैगा ये एक कंट्रोल शैड हों उनके मशीनरी सिस्टम हों सारा कि मुर्गी नमी कितनी चाहिए है हीट कितनी चाहिए है यह चीज़ा उन्होंने फार्म के मुहैया होंगे ने सारिया ठीक है हूँ जोड़ा चूजा है ना उनके छोटा चूजा हों अगे एक मशीन है उनके ड्रिंकर पानी आता है उन्हें उतों ही पानी पीना ठीक है तुम उन्होंने 20 दिन बाद देखो उन्होंने चूजा उत्थे बैठा क्योंकि उन्होंने फीड भी उत्थे लभ जानी है पानी भी उत्थे लभ जाना उन्हें कितने जाना क्योंकि उन्हें बाहर तो नहीं टुरन फिर जाना 20 दिन बाद भी चेक करो कि उत्थे बैठा होगा देसी तो ब्रायलर से की फर्क है दो लफ्जा दो लफ्ज बोस ब्रायलर तुम्हें पता है फिर इंजद ही है तो देसी जो उडारियां मारने वाला जानवर है वो पालदा जाके 1-1.5 साल कहते हैं ब्रायलर में भी जो चंगी फीड पाओ तो ब्रायलर भी नसदा बिल्कुल नसेगा मैं तुम्हें मैं आप रखे सारा खाण पीन का खाण पीन हाँ खाण पीन का मतलब फीड तो डिपेंड है सारा कुछ जे अगर ब्रायलर में तुम फीड पाओगे ना इनू 10 दिन घर रखो उडारियां मारेगा जिस तरह के आपने देखा हमने अभी एक मुर्गी फरोश से बात की उन्होंने कहा देखे जी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना को रेट बढ़ा लेते हैं यहाँ पे अगर सामने वाला महंगा बेच रहा है तो उन्होंने एक टर्म बताई क्या बताया था चूजे का नाम जी आपने सीपी चूजा एक टर्म है जी कि वो चूजा बीमार होता है उसे कंट्रोल शेड के अस्पताल में रख दिया जाता है वहाँ पर उसे कंट्रोल खुराक मिलती है और वो अंदर से सही नहीं होता वो कहते हैं टीके भी वो लगते हैं जो भैंसों को लगते हैं जिससे उनके दूध की पैदावार बढ़ती है और ये टीके एक तरह से देखा जाए तो बैन होने चाहिए वो कहते हैं बड़ी मुर्गी लें क्योंकि उसके अंदर उस टीके का असर खत्म हो जाता है दूसरी बात उन्होंने ये कही जो ठंडी मुर्गी या मुसाफिर मुर्गी होती है वो कहते हैं दूर से कंट्रोल शेड गुजरा वाले मिसाल के तौर पर तो लाहौर आते आते 500-600 मुर्गी मर जाती है तो 500-600 मुर्गी जो मर जाती है वो फिर बजाय कब्र में जाने के आपके शवारमों आपके बर्गरों के जरिए आपके मैदे में जाती है और फिर पेट का अल्सर कैंसर और दीगर बीमारियों का मौजब बनती है तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें भी मुर्गी फरोशों से तावल करना चाहिए इनको भी इन गरीब लोगों को सिर्फ 30 से 40 रुपये एक मुर्गी के पीछे बचते हैं आप मुझे एक बात बताएं दिन में 100 मुर्गी भी बेच ले तो मुश्किल से 500 रुपया मुनाफा कमाता है इन लोगों के भी घर हैं इनके भी बीवी बच्चे इनके भी बाल बच्चे आप इनसे तावन करें या आपसे तावन करें इसी को कहते हैं शहरी हम आहंगी अगर शहरी हम आहंगी बढ़ेगी तो लोगों में एक तरह से बेहतरी आएगी आप लोगों के ओवरऑल मुस्तकबिल की तरफ एक जैसा कहते हैं ना आप एक सही राह पे चल पड़ेंगे कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राणा को उठो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।